आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत ने ऐसा कहर मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कितनों की जान चली गई, कितने बेघर हो गए, इसका आंकड़ा हर रोज खौफनाक तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें लोग जानबूझकर जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे बाढ़ के कारण उफनते सैलाब के साथ कुछ बच्चे मजाक कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर है एमपी के कटनी की, जहां झरिया गांव में कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़कर नदी में छलांग लगा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि उफनते नदी में छलांग लगाने से कुछ भी बुरा हो सकता है। उन्हें ये भी परवाह नहीं कि उनके घर पर उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे होंगे। अब जरा इस युवक को देखिए, कैसे कटाई घाट नदी के उफान के बीचों बीच उछल कूद कर रहा है। इस युवक को सैलाब से पंगा लेना भारी भी पड़ गया, क्योंकि हंसी हंसी में ये युवक कटाई घाट नदी के उफान के बीच में फंस गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते उसके साथियों ने उसे किसी तरह इस सैलाब के भंवर से बाहर निकाला। लेकिन इस घटना के बाद पानी से पंगा लेने वालों में कोई कमी नहीं आई और अपनी जान जोखिम में डालते वो अब भी नजर आ रहे हैं। आसमानी आफत के कहर से अनजान इन बच्चों के स्टंट को देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हो गए। वो उनके घर वालों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे सैलाब के बीच अपने बच्चों को ना छोड़े। जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले वो अकेले ना आए, माता पिता या अभिभावक जो भी हैं उनके साथ आए, और गलती से भी स्टैंड ना करें, और नदी पार करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। खतरा यहाँ आए दिन होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपील है कि थोड़ा ध्यान दें बच्चों को कि ये जो पेड़ों में चढ़ के कूदते हैं नदी में, तो कल के दिन कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है माता पिता से बच्चों के कि थोड़ा आने में रोक लगाएं यहाँ। हालांकि स्थानीय लोग भले ही बच्चों की स्टंटबाजी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बच्चे हैं कि उफनते सैलाब के बीच पानी से पंगा ले रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई हादसा होने का खतरा बना रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कटनी कटाघाट नदी और कितनी तेज बहाव है यहाँ, और यहाँ जो है जुरी, इसके पीछे एक जुरी गांव है जहाँ लोगों को आना जाना है और पूरा रास्ता बंद हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये जो नदी है, युवक जो है अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ नहा रहे हैं और इस नदी को पार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की अपील है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी में ना नहाए और ना पार करें।